दर्शन कर लीजिए राधा कृष्ण जी के। वृंदावन में आधे बाबड़े डोले हैं, आधे चोर डोले हैं, आधे लुटेरे डोले हैं। बाबा ताऊ देख ले मर डोलो ही तो। तो सुबह उठ गया, सुबह उठ के कटिंग करा के आया हूँ। कटिंग करा के हैंडसम सा हो गया हूँ, लग रहा हूँ ना अच्छा। तो अभी बस नहाने जा रहा हूँ और नहा के आ रहा है कुलदीप, मुसाफिर आदमी। फिर जाएंगे हम वृंदावन, आज वृंदावन पिकनिक करने जा रहे हैं हम। तो आज सुबह एक भैया से मिल के आया था जो यूट्यूबर हैं बहुत फेमस, उनका चैनल है द लोकमंच। तो अभी नहाते हैं फिर निकलते हैं। उस बकचोद से बोली थी आ जाइए, एक तो इतना झूठा है वो, आधा घंटा करके दो घंटे तो लगा लिए उसने। आए आधे घंटे से तो भैया कटिंग करवा रहा हूँ मैं भी, बस भैया कपड़े पहन रहा हूँ, बस भैया चल दिया, बस पापा से बात कर रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ भैया बाइक में चाबी लगा। इस साला इतना झूठा है ना बहनचो, इतना तो गोलीबाज लौंडा है। देखो अभी फ़ोन किया था आ रहा है, कितनी देर में आता है अब भी गोली दे रहा है क्या। तो बस मैं जब तक नहा लेता हूँ और नहा के फिर निकलते हैं वृंदावन, फिर आपको दिखाते हैं आगे। चलो दोस्तों मैं थोड़ा राजा बाबू सा बन जाऊँ, कटिंग करा के राजा बाबू हो तो गया हूँ, बहुत दिन में कटिंग कराई आज और राजा बाबू सा हो जाता हूँ। मिलते हैं क्या चलते हैं यार, अभी थोड़ा चल रहे हैं। तो दोस्तों भाई हो गए यार रेडी, और हमारे ये मुसाफिर आदमी बकचोद अब आए हैं। ये रे तू ईमानदारी बता कुलदीप, कितने बजे थे कह रहे हो कि भैया आधा घंटा में आ रहा हूँ? कितने बजे थे? कौन सी बिजी लाइफ? पापा को रोटी पे करा के ले गो और बार कटवाए, बार तेन कटवाए तेन, कहा निशान आ गए लेंस पे, नुकसान कर दो तेने जा मतलब। मैंने क्या कर दिया? ये अग्निवीर है ये। कौन निशांत ने किया के? ले भाई से निशांत भी देख लेगा इसे। तो ये 11 बजे तक कह रहा है, 11 बजे तक कि बस भैया आ रहे हैं, बस भैया चल रहे हैं। सुनो मेरा तो खींचे यार, तो चलें फिर हैं? फोन या का इतना अच्छा नहीं आ रहा, मेरा खींचो। चलें चलो फटाफट निकलो, फिर लेट है रहे हैं बहुत। चलो ये देखो भाई, भाई वीडियो आ रही थी, शूटिंग चल रही है। तो भाई हम जा रहे थे वृंदावन, रास्ते में अभी कुलदीप का कोई दोस्त मिला है, कुलदीप अभी ये किसी से मिल रहा है, बात कर रहा है। हाँ भाई कुलदीप पूछ रहे कहाँ है, कहाँ पे? भाई हमें बहुत दूर, अभी हम नए बस स्टैंड पे हैं, बहुत दूर नहीं, सीधो चुनाव कह रहा हूँ। हम नए बस स्टैंड पे हैं और ये यहाँ नई मार्केट खुली है, डोमिनोज है। तो यहाँ हमारे कुलदीप भाई साहब आए हैं किसी से मुलाकात करने, अभी थोड़ा देखते हैं हम कौन है वो, पता नहीं किसी से पैसे वैसे लेने हैं, कैमरा की बैटरी लेनी है, पता नहीं क्या क्या करनी है। ऐसे हंस रहे हैं इनकी, ये हंसी का क्या राज है? आगे जैसा भी होगा हम आपको संपर्क करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं डोमिनोज में अंदर, कुलदीप भाई साहब वेट कर रहे हैं किसी का। हमने उड़ लिया इंदौरी, लग रही हमें ठंड। ये देखो इनकी मुस्कुराहट क्या कह रही है, ये क्या कह रही है ये। तो अब हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए हम कुलदीप? हम पहुंच गए डी गेट आ गए हैं। तो ये वृंदावन ही, वृंदावन में एंटर कर गए ना हम, वृंदावन अभी हो जाएगा स्टार्ट 5 मिनट बाद, थोड़ा सा और आगे, बस 2-3 किलोमीटर आगे यहाँ से वृंदावन एंटर कर जाएंगे हम। ये आप देख सकते हैं मथुरा वृंदावन वाला रोड है, ये मेन रोड। हम हाईवे से नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर से बोर हो जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता सा लगता है। अंदर मार्केट में होके घूमते फिरते हुए मजे लेते हुए हैं कुलदीप, बहुत ज़्यादा अंदर मजे लेते हुए। ये हमारे मुसाफिर दौड़ू गोलीबाज, जो मैंने बताया था तुम्हें, ये भाई गोलीबाज है। गोली नहीं होता, हर की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, कोई कहीं प्रायोरिटी की देख एक्सीडेंट कराएगा तो साले।
प्रायोरिटी के चक्कर में तो जा रहे हैं हम। अच्छी ठंड पड़ रही है, ठंड कैसी लग रही है? काफी ठंड है। सॉल वॉल ओढ़ के, सॉल वॉल ओढ़ के लोग आई भाई। मम्मी वारी है ना? हाँ, मम्मी के लिए लाया था मैं मनाली से। ओ माय गॉड भाई, मनाली के बाद अच्छे अच्छे झूठ बोलता है ये दोस्तों। भाई माँ कसम, मनाली से माँ कसम खा गया भाई। मम्मी के लिए सॉल लाया था, माँ कसम मनाली से, वो मनाली से मम्मी कसम। ओ माय गॉड, वाह बड़ा कॉम्बिनेशन। मुझे ऐसा लग रहा है विटारा ब्रेजा का काल आ रहा है। गंदी लग रही है यार, मरे ही कहा लग रही है, गंदी लग रही है। गंदी तो है ही, मथुरा वृंदावन में भीड़ बहुत होने लगी है आजकल भाई। ट्रैफिक बहुत हो रहा है मथुरा में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ये पता क्या करवा रहा है, ये इंस्टाग्राम करवा रहा है भीड़। तो कुछ भी करवा रहा हो पर ट्रैफिक बहुत हो रहा है। इंस्टाग्राम की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, ये सोशल मीडिया की वजह से आ रहे ना। और अरे भक्ति भावना तो इनके अंदर है नहीं, बाकी प्रेम धन पायो और कृष्ण के सामने झुक जाएंगे और वीडियो बना देंगे। तो भी बनाते हैं पर तो चलो ये ठीक है, तुम किस लिए जा रहे हो फिर? भाई हम नेचर की बनाते हैं, प्रकृति ये थोड़ी का अपना दर्शन करने जा, अपना नंगना थोड़ी कर रहे हैं यार। वो भी तो है, दर्शन भी करते हैं श्रद्धा से पूरी से। पहले दर्शन होंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। ये पागल बाबा का मंदिर है, वृंदावन रोड पे ही पड़ता है। तो दोस्तों हम आ गए वृंदावन रोड। अच्छा, और हमारे कुलदीप भाई साहब बिजी हो भाई जन। बाबा ताऊ देख ले रहे मर गए लोई तो जीनो ना जाए। वृंदावन में आधे बावड़े डोले हैं, आधे चोर डोले हैं, आधे लुटेरे डोले हैं। तो अपने सामान को तो भाई बचा के रखें और बाबा जी बावड़े थे तो बचो। ये आ गए हम वृंदावन रोड, अब पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। बस बाइक लगाएंगे स्टैंड पर, वो वेटिंग दिखा रहा था वो कंफर्म है। और फिर से तो पहले कर लेंगे ना, आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर दिखाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे प्रेम मंदिर। हम पहुंच गए भाई वृंदावन, और ये हमारे कुलदीप अपनी बाइक खड़ी कर रहे हैं। तो ये आप जब भी आए वृंदावन तो प्रेम मंदिर है यहीं, ये सामने है प्रेम मंदिर। पीछे देख सकते हैं आप, पीछे दिख रहा होगा प्रेम मंदिर के जस्ट सामने ये पार्किंग है। यहाँ आप गाड़ी बाइक सब खड़ी कर सकते हैं, सब खड़ी है जहाँ में ना चारों तरफ देखो। यहाँ का वृंदावन में घुसते ही कछुक अलग ही मज़ा आ। ये सामने ही प्रेम मंदिर है। तो चलो दोस्तों मज़े लेते हैं। हाँ कहा है कैश, कहाँ है वो पे रिच लोग बत्ती बना के डाल लो। क्या हो गया, ऑनलाइन कर देना, ऑनलाइन ले लेगा। बंद तो जाएगी बढ़िया, लाइट हो गई भाई स्टार्ट। लाइट हो गई भाई, ये देखो। चलो रात ही बना के डाल दूंगा। प्रेम मंदिर में लाइटिंग स्टार्ट हो रही है अब, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। पहुंचते पहुंचते तो ना अंधेरा कर लो ना, पहुंचते अंधेरा कर लो जाने भंगी के चौधे ने। दोस्तों हम आ गए प्रेम मंदिर के सामने, देख सकते हैं आप। ये प्रेम मंदिर के दूसरी साइड का व्यू है। चल रहे हैं अभी हम प्रेम मंदिर के अंदर, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं दूर दूर तक सबसे फेमस मंदिर प्रेम मंदिर। ये राधा रानी के, कृष्ण और राधा जी के प्रेम के ऊपर आधारित है। ये बाहर से व्यू है के आदव, तो हमारे वाला रोड है, सीधा हाईवे पे जा रहा है। मंदिर के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं पीछे मंदिर। और देखो जी है एंट्री, यहाँ चेकिंग होती है, बैग वगैरह अलाव नहीं है अंदर। बैग कैमरा वगैरह फोन अलाव है, पर फोन अंदर मेन मंदिर में अलाव नहीं है। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री और उधर से एग्जिट, तो एंट्री है रही है। देखो ये इधर से है और यहाँ ये एकदम सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। बहुत भीड़ आती है भाई, यहाँ बहुत भीड़ आवे भाई, बहुत भीड़ आवे। अब तो बहुत ज़्यादा हैवी लग गई है, चौंके जी। इंस्टा ज़्यादा फेमस है वो ना, जहाँ हमारे ज़्यादा भीड़ आवे लग गई यार, बहुत ज़्यादा भीड़ आवे लग गई अब। हैं पहले बहन जो खाली रहें तो, अब कछु ज़्यादा भीड़ आवे लगे। तो वाह कुलदीप पल्लू चल लेने
देता हूँ जो जीता हूँ। कृष्ण जी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो भाई बहुत भीड़ है यार यहाँ तो यार कुलदीप हैं बहुत भीड़ आने लगी। मैं तो बहुत दिनों में आया हूँ आज। और ये हम आ गए हैं देखो मंदिर के साइड में, मतलब आगे से निकल के ये साइड होके ये मंदिर का पीछे का एरिया है, मंदिर का पीछे वाली साइड। तो इधर से मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए और इधर ये क्या आए हुए राधे राधे। कुलदीप जी कहाँ बनने? तो जी भाई या मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि इधर से उधर से एंट्री नहीं है। और जी कहाँ हैं हमारा कुलदीप जी? भाई वीडियो लेने में बिजी है। दोस्तों ये आ गए हम पीछे, ये मंदिर का दूसरी साइड का है, मतलब जहाँ से एंट्री करते हैं उसके बिल्कुल जस्ट पीछे। तो यहाँ देखिए ये मंदिर है इधर और इसके पीछे का व्यू एकदम शानदार मज़ेदार दिल खुश कर देने वाला। इधर ये थोड़े टाइम बाद ये जो फुव्वारे हैं इनमें आकृतियाँ सी चलती हैं। ये इधर कृष्ण जी और बलदाव जी उनके दोस्त सुदामा जी गाय चराने आए हैं इधर, तो इसमें वही दिख रहा है दिखाया गया है। और चलते हैं दोस्तों फिर आगे ये मंदिर। उधर से दोस्तों थोड़ा सा आगे आके ये इधर कैंटीन है, ये इधर कैंटीन है देख सकते हो आप, ये खाना वगैरह खाने की इधर सामने ये एलईडी सी लगी हुई है। और चलते हैं हम आगे। कहाँ जाइए कुलदीप कहाँ गो? ए और हेंचो भाई डोल है। आ गए हम मंदिर के फ्रंट पे, ये है मंदिर का एंट्री गेट। इसके अंदर जाके राधा रानी दर्शन होते हैं कृष्ण जी के। ये इधर है पूरा और ये इधर आपको दिखेगा कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत जी को जब हाथ पे उठाया था, तो ये जब गांव वाले और जो बारिश वगैरह पानी जो थी वो इधर आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए आप, यहाँ तो मैं देख लूँ मिला, इधर एकदम अच्छी वाइब आती है। तो यहाँ पे जूता चप्पल उतारवे को, इधर किताब वगैरह मूर्ति वगैरह और भगवान के कपड़े वगैरह भगवान की किताब सब मिलता है इधर। इधर ये जैसे ये आप इस गोवर्धन पर्वत के इधर साइड में आएंगे तो ये सब यहाँ मिलेगा। इधर ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं कृष्णा जी की, राधा जी के साथ खेलते हुए, मटका फोड़ते हुए, माखन खाते हुए, माखन चोरी करते हुए। और ये सामने मंदिर है, इस मंदिर का कलर बदलता ही रहता है, बहुत प्यारा लगता है ये। जो यहाँ पे देखो कृष्ण जी खेल रहे हैं राधा जी संग जंगल में, ऐसी अच्छी अच्छी मूर्ति बनी हुई हैं एकदम मनमोहक कह देने वाली एकदम सौंदर्य मन को मोहने वाली मूर्तियाँ। तो मंदिर का उधर से हमने एंट्री की, उधर से जाके पीछे से घूम के उस साइड से और इधर से आ गए अंदर। अभी मैंने बताया था फ़ोन ले जाना अलाव नहीं है, तो फिर अंदर जाने का कोई फ़ायदा ना हो। तो अभी मैं आपको यहाँ बाहर से दिखा देता हूँ प्रेम मंदिर, जैसे ही मौका मिलेगा मुझे कल वाले या जब भी मैं आऊँगा दोबारा, जब भीड़ होगी कम तब दोबारा जाऊँगा। तो ये है यहाँ इस जगह से देखिए प्रेम मंदिर का व्यू। ये फिर यहाँ से एग्जिट है इधर से बाहर, रिस्क लेके जा रहा हूँ अंदर।
अब दिखाऊं तुम्हें अंदर से मंदिर। ये है प्रेम मंदिर। ये चल रहे हैं अंदर, जितना हो सकता है उतने दर्शन कराऊंगा। जान तो कहीं मत कांगो जी बहन चो कितो चलेगो। हे तू जन कहाँ गायब है, जहाँ तो है यार। चलो अंदर। राधे 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 बोलो राधे राधे। ये ऊपर मंदिर पे आ गए हम। यहाँ अलग ही माहौल, अलग ही वातावरण, अलग ही खुशबू यहाँ की, वृंदावन की। जाने का मन नहीं करता घर, सीधी सी बात है भाई। चलते हैं अंदर। ये जय राधे 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 बोलते हुए मंदिर में अंदर, मंदिर के कराता हूँ दर्शन। इस तरीके से सामने ही है राधा कृष्ण जी। राधे 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 बोलते हुए हो रहे। इस तरीके से आप देखिए, राधे 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 बोलते हुए अंदर। ये राधा कृष्ण बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। इधर भी ऐसे ही मूर्तियां बनी हुई हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। चलिए दर्शन कराए जाएं आपको और पास से करीब से। बर्बाद करें। चलो भाई लोगों देख लो, दर्शन कर लीजिए राधा कृष्ण जी के। राधे 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 बोलते हुए, राधे राधे बोलते हुए, राधे राधे बोलते हुए। तरीके से ऐसे मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाते हुए, मंदिर के अंदर ऐसे परिक्रमा लगाते हुए दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं इस गेट से। और ये देखिए मंदिर अंदर से इतना सुंदर मंदिर है, जितना बाहर से सुंदर लगता है उतना ही अंदर से है। बोलो राधे 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 बोलो। देखो इस तरीके से यहाँ वीडियो प्रकार यूज होते हैं। ये राधे राधे बोलते जाओ, दर्शन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये हो गए भाई दर्शन। अब हम चल रहे हैं बाहर क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और आज के लिए बस इतना ही है। तो चलो अब हम घर चलते हैं, वीडियो को देखें पूरा और बताएंगे आगे घर पहुंच के। तो ये यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं। चलो दोस्तों वो कहाँ रह गया। चार तरीका थे पूरे मंदिर पर बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनी हुई है। देखो ये यमला अर्जुन उद्धार, यशोदा से गोपियों का उल्लाहन, कृष्ण के बारे में। ये तुम्हारा माखन चोरी का लीला है। ये देखिए ये श्री कृष्ण को सांटी से डराती यशोदा मैया। इस तरीके से मंदिर पर पूरा ये श्री कृष्ण का माखन मांगना, ये प्रातः श्री कृष्ण को जगाती यशोदा मैया। इस तरीके से मंदिर पर पूरे पर ऊपर नीचे श्री कृष्ण पद चिन्हों पर पूतनावध। देखिए ये पूतना का सुंदरी वेश में आना, प्रेम विभोर शिव जी का तांडव नृत्य। ये मंदिर में इस तरीके बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां हैं, सुंदर एकदम मजेदार। ठंड थी बहुत भाई, हम आ गए हैं चाय पीने, वृंदावन की चाय। ये देखो हमारे कुलदीप की वीडियो हो गई है वायरल। कितनी हो गई है गुरु? 1 मिलियन। कॉन्ग्रेट्स ब्रो।
कुलदीप का चैनल है मुसाफिर आदमी, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ये देखो भाई का स्टार्टअप है चाय, प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। यहाँ की बहुत अच्छी से टेस्टी चाय मिलती है एकदम, आप देख सकते हो। ब्रो ये किसने डाल दी, नंदन? हाँ। बड़ा आरामी है ये चाय भाई। चेस चेस भाई चेस, चाय बोलो चाय। चाहिए हमारे कुलदीप ले रहे हैं स्नैप। ये भाई कुलदीप सिंह स्नैप ले रहे हैं चाय, और इसे डाल दो पुटोनी और स्टोरी। दोस्तों हो गए दर्शन मंदिर के, अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि हो रहा है लेट। घर से आ रहा है फोन कुलदीप का, भागा ही जा रहा है ये। ओ भाई कहाँ भग रहे हो, कहाँ भग रहे हो, इतने तेज तेज का ही भग रहे हो। एक बार और पीछे मंदिर के दर्शन कर लीजिए, तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और कैसी लगी ये जरूर बताएं मुझे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम भाई, राधे राधे।